हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयस लाइफस्टाइल। सो गाइज, बहुत दिनों बाद मैं एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ एंड बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग वीडियो भी लेके आई हूँ, बिकॉज गाइज मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बिजी थी। मैंने सिफोरा के साथ एक कोलैबोरेशन किया। गाइज आज मैं आ गई हूँ एक नायका हॉल लेके एंड ये हॉल मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज गाइज मैं मोज ऐप में ब्यूटी क्रिएटर हूँ एंड वहां पे मैंने एक चैलेंज विन किया है एंड उसका रिवॉर्ड मुझे मिला था 5,000 रुपीज का एक गिफ्ट कार्ड एंड उसी से मैंने नायका से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। सो मैं सोची कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। ये रहा मेरा दो नायका का बॉक्सेस। मैं ज्यादा कुछ नहीं मंगवाया है, थोड़ा बहुत ही सामान मंगवाया है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाया है जो मैं इन दिनों सोच ही रही थी कि मुझे परचेस करना हो गई। मैंने सोचा क्यों ना मैं उस कूपन से ही ले लूं। सो फर्स्ट बॉक्स ना, मैं ये बड़ा बॉक्स खोल रही हूँ एंड इन दिस आई हैव क्वाइट अ फ्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ है ये एलेगल का प्रो कवरेज फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बारे में आई हर्ड अ लॉट। मेरे पास एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है करेंटली, विच इज द हुडा ब्यूटी फाउंडेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो चुका है। सो मैंने ऑलरेडी हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन के ऊपर रिव्यू तक आज तक किया है, मेरे चैनल में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। उसके बाद से ना आई वॉज थिंकिंग कि एक अच्छा फाउंडेशन लेना है जो थोड़ा फुल कवरेज भी होगा, एक HD लुक देगा, येट उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा, बिकॉज हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन कॉस्टेड मी अ लॉट एंड वो एक्सपायर हो गया, मैंने उतना ज्यादा यूज भी नहीं किया था। दैट्स व्हाई मैंने लिया है ये एलेगल का प्रो कवरेज HD लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। यहाँ पे मैं कोई भी यूजेस नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ा सा जस्ट आपको स्वॉच करके दिखा दूंगी, बिकॉज ये एक हॉल वीडियो है एंड हॉल वीडियो को मैं बेमतलब का इतना खींचना नहीं चाहती हूँ। एंड आई एम इन द शेड न्यूड बेज। द कवरेज इज क्वाइट गुड गाइज एंड मेरे स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। अगर आप इंडियन स्किन टोन में फेयर स्किन टोन टू मीडियम स्किन टोन के बीच अगर आपका स्किन है देन ये शेड परफेक्ट होगा। ऑल्सो गाइज ये ब्लेंड काफी अच्छा से हो जाता है एंड प्लस ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। ये HD फाउंडेशन है, येट ये लगता नहीं है फेस में अप्लाई करने के बाद कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ भी है। सो इट इज अ वेरी लाइट वेट फाउंडेशन। इनफैक्ट ब्राइडल के लिए भी मैं बोलूंगी यस अप्रूव्ड। नेक्स्ट मैंने लिया है ये एलेगल का प्रो कंसीलर। ये भी एक HD कंसीलर है एंड इस कंसीलर के बारे में आई हैव हर्ड अ लॉट लाइक YouTube में या कहीं पे भी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स एंड मुझे स्विस ब्यूटी का कंसीलर इससे ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ये मुझे ना थोड़ा सा लाइक केकी कर देता है। मैंने इसे फर्स्ट टाइम एक बार इसे बस यूज किया है लेने के बाद। कवरेज बहुत ज्यादा हाई कवरेज वाला ये कंसीलर है। यू विल नीड वेरी लिटिल अमाउंट एंड इसका कवरेज इज टू गुड। बस ये लाइट वेट नहीं है, थोड़ा सा मुझे हेवी लगता है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका जो एप्लीकेटर है ना गाइज दिस इज वेरी गुड। लाइक इसका एप्लीकेटर से ब्रश टाइप में आता है एंड विच मेक्स इट वेरी इजी ऑफ एप्लीकेशन। गलती से इसका शेड गलत ले लिया है। मैंने यहाँ पे शेड लिया है GC976 प्योर बेज। ये थोड़ा सा ना वार्म अंडरटोन शेड का है, दैट्स वाई ये मुझे एकदम भी सूट उतना ज्यादा नहीं कर रहा है। लाइक इट्स ओके, एक कंसीलर लगता ही है जो आपके स्किन से थोड़ा सा कम शेड हो या एकदम स्किन के कलर का हो, बट ये मेरे स्किन से काफी कम शेड का हो गया है। ऑल्सो गाइज प्राइजेस मैं सारे स्क्रीन में ही मेंशन कर दूंगी, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर द प्राइजेस एंड ऑल्सो अभी नायका में अच्छा सेल भी चल रहा है, 50% ऑफ ऑन मेकअप। सो अगर आप अभी ये सब प्रोडक्ट्स लेते हो देन आपको प्राइजेस मैं जिसमें ली हूँ उससे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लिया है मैंने वो है ये स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टिंग ब्राइटनिंग प्राइमर। इसमें का कलर करेक्टिंग प्राइमर बिकॉज इसमें बहुत सारे कलर करेक्टर्स एक ही साथ आ जाते हैं एंड आई थिंक विच इज अ ग्रेट डील, बिकॉज अगर आप जल्दबाजी में मेकअप कर रहे हो एंड आपके पास टाइम नहीं कि आप अलग से कलर करेक्शन करो एंड आफ्टर दैट आप प्राइमर लगाओ देन फाउंडेशन एंड एवरीथिंग। सो इससे अच्छा कि आप एक ऐसा प्राइमर ले लो जिसमें सारे के सारे गुण है एंड इसमें ना ब्लू कलर मुझे दिख रहा है, जेल प्राइमर दिख रहा है एंड ऑल्सो येलो शेड मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर दूंगी ब्लू येलो
कलर करेक्शन का क्या काम है। जेल प्राइमर हेल्प करता है पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, एक फ्लॉलेस बेस देने के लिए। ऑल्सो गाइज ये साथ ही साथ काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है, विच आई पर्सनली लव द मोस्ट, बिकॉज कुछ कुछ प्राइमर्स ऐसे होते हैं ना इनमें ना काफी ज्यादा क्लॉग हो जाता है। दिस इज नॉट एट ऑल, ये नॉर्मल एक मॉइस्चराइजर की तरह है, येट ये काम बहुत अच्छे से करता है। मैंने थोड़ा सा जस्ट लिया है टू शो यू पीपल, ओ गॉड। एंड ऑल्सो गाइज ना एक बहुत अच्छा ग्लो लाता है एंड ना कूलिंग सा सेंसेशन भी फील होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज इसका फ्रेग्रेंस सुपर। तो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ये पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर। एंड इसके बारे में आई हैव हर्ड अ लॉट, मैंने मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स को भी इनफैक्ट देखे लाइक शाई स्टाइल्स, श्रेया जैन को ये वाला मेकअप फिक्सर यूज करते हुए, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट। एंड फ्रॉम दैट डे मैंने सोचा था कि ये मेकअप फिक्सर मैं लूंगी। एंड कुछ दिनों से एंड बहुत दिनों से ना नायका में ये मुझे मिल नहीं रहा था, लाइक इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक। बट सडनली जब ये मुझे मिला था वॉज लाइक अब तो लेना ही है इसे। इज अ वेरी गुड मेकअप फिक्सर गाइज, ये स्टे करता है एंड स्प्रे करने के बाद ना आपका फेस इतना ज्यादा ग्लोइंग लगता है, ये बहुत अच्छे से ड्यूई बना देता है। कुछ दिन पहले ग्रेजुएशन पार्टी था, उस दिन मैंने ये वाला मेकअप फिक्सर यूज किया था एंड इट स्टेड फॉर मोर देन 8 आवर्स, विच इज अ ग्रेट डील। काफी बड़ा है एंड आई रियली लाइक इट। इसका तो प्राइस थोड़ा सा हाई है, 900 अराउंड प्राइस है, बट आई थिंक दिस इज वोट द मनी गाइज। सो गाइज अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल मेकअप फिक्सर खोज रहे हो, उतना भी ज्यादा हाई बजट नहीं है, देन आप ये पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर यूज कर लो। ये माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर क्यों बोलते हैं, बिकॉज आप जब से स्प्रे करोगे ना, इससे प्रोडक्ट जब निकलता है ना एकदम मतलब माइन्यूटली निकलता है, आपके फुल फेस को थोड़ा सा स्प्रे में ही कवर कर देता है। कुछ कुछ मेकअप फिक्सर्स का जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड फाउंडेशन के ऊपर ना मार्क हो जाते हैं, इससे वो होने का कोई चांसेस ही नहीं है। जो मैंने लिया है ये नायका का ब्लेंड मास्टर ब्यूटी ब्लेंडर, मुझे बहुत दिनों से एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर लेना था। एक मेरे पास है किंगडम ऑफ लैशेस का, बट मैं सोची थी कि ठीक है और एक ले लेती हूँ, सो दिस वन आई गॉट। एंड मैंने अभी तक इसे यूज नहीं किया है बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज, दिस इज हाउ इट इज। बहुत सॉफ्ट है एंड प्राइस भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल था, सो आई थॉट कि ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड मुझे सब कुछ ट्राई करना पड़ता है गाइज, सो या। सो गाइज मेरा ये बड़ा वाला बॉक्स में ना इतना ही प्रोडक्ट्स थे, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्यूट सा छोटू सा बॉक्स। एंड ये हाँ नायका आपका ये लग्जरी पैकेजिंग ही है, कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट आपको ऐसे ब्लैक पैकेजिंग में मिलेगा। जब बहुत दिन से मन था कि मैं शार्लेट टिलबरी का कुछ यूज करूं, सो आई फर्स्ट में मैंने सोचा कि चलो इसका पिलो टॉक लिपस्टिक ले लेती हूँ, बट आफ्टर दैट आई थॉट कि कूपन मिला है सो लेट्स नॉट लाइक लेट्स यूटिलाइज इट। सो मैंने सोचा कि मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए जो जो प्रोडक्ट्स लगेगा मैं वो प्रोडक्ट्स लेती हूँ। लाइक 3000 रुपीज का सिर्फ एक लिपस्टिक ले लूंगी देन दैट विल नॉट लाइक जस्टिस नहीं करेगा, बिकॉज डेफिनेटली मैं एफर्ट देती हूँ बोल के मुझे मिला है। बेस्ट पार्ट इज दैट कि मुझे इसके साथ एक ऑल्सो पाउच भी मिल रहा था, सो आई हैड टू मेक अ परचेज फ्रॉम शार्लेट टिलबरी। सो गुड गाइज, इसका क्वालिटी इज फैब्यूलस एंड पीछे लिखा हुआ है वॉक नो शेम एंड सामने शार्लेट टिलबरी एंड इसका लोगो टाइप का है। एंड मैंने क्या लिया है शार्लेट टिलबरी से, सो मैंने इसका एक मिनीज ही लिया है, आई हैव पिक्ड इट्स मिनीज। सो मैंने थोड़ा सा ना बॉक्स भी फट गया है, नेवर माइंड। क्या है शार्लेट टिलबरी का ये हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर, ये मुझे 1500 कॉस्ट किया है एंड दिस इज फॉर 5.5 ml। अगर आपको ट्राई करना है देन आप डेफिनेटली ये 5.5 ml में जा सकते हो। एंड मैं ना आजकल मिनीज बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसे ही PR में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड मैं अगर परचेज भी करती हूँ देन ये हुडा ब्यूटी वाला केस हो जाता है ना, एक्सपायर हो जाता है मेरा मेकअप, सो इट्स बेटर कि मैं मिनीज खरीदू। सो 1500 रुपीज आई थिंक मेरे लिए ये वर्थ था एंड इट इज लाइक अ कंसीलर, ठीक है बहुत लाइट कवरेज कंसीलर है, बट मैंने इसमें भी शेड गलत ले लिया, मुझे एक शेड और लाइट शेड लेना चाहिए था, मैंने थोड़ा डार्क शेड ले लिया अपने स्किन टोन से मुझे पता। तो इसके साथ ना आपको ऐसा ब्रश एप्लीकेटर मिल जाता है एंड आप इसे एज अ हाईलाइटर भी इनफैक्ट यूज कर सकते हो, अंडर योर मेकअप इसे यूज कर सकते हो, या बहुत अच्छा एक सटल ग्लो देता है फेस में। एंड जब आप मेकअप करोगे ना उसके पहले अगर आप अपने बेस में ये अप्लाई करते हो देन आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट
इट इज एक्चुअली. सो दैट्स इट गाइस. आई होप आपको मेरा आज का ये नायका हॉल अच्छा लगा हो. सारे प्रोडक्ट्स का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो. सब्सक्राइब कर देना यार मेरे चैनल को एंड प्लीज कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो. टिल देन मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए टाटा.